हेलो एवरीवन, बेब्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम आलू और आटे के पफ्स बनाएंगे। दोस्तों, ये एक इजी और आसान रेसिपी है। इसे बनाने की सारी चीज़ें हर घर में आसानी से उपलब्ध होती हैं। देखिए ये आलू पफ्स कितने फ्लफी एंड क्रिस्पी बने हैं। जितने ये क्रिस्पी लग रहे हैं उतने ही ये टेस्टी बनते हैं। दोस्तों, जब बनाओगे और खाओगे तभी इनके गुण गाओगे। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही अपीलिंग लगेगी, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। यहाँ पे मैंने 4-5 आलू लिए हैं, उनको मैंने ग्रेट कर लिया है। यहाँ पे मैंने ये 2 प्याज लिए हैं, उनको भी बारीक काट लिया है। यहाँ पे मैंने एक शिमला मिर्च ली है, उसको भी बारीक काट लिया है। यहाँ पे मैंने लाल शिमला मिर्च ली है, उसको भी बारीक काट लिया है। यहाँ पे मैंने एक गाजर ली है, उसको भी मैंने बारीक काट लिया है। एक छोटा अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। 2 मैंने हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई। मैंने एक पैन लिया है, अब इसमें हम वो आलू फ्राई करेंगे। इसमें 2 चम्मच तेल के डाल रही हूँ। तेल हमारा गर्म हो चुका है, 1/2 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। यहाँ पे ये जो मैंने अदरक का टुकड़ा ग्राइंड किया था उसको डाल दूँ। अब इसके अंदर मैं ये प्याज डाल दूँ। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दी हूँ। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच सूखा धनिया डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ और 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं बारीक मिर्च डाल रही हूँ। इसमें मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ, ये लाल शिमला मिर्च डाल रही हूँ और ये गाजर डाल रही हूँ। गैस को स्लो मीडियम फ्लेम पे रखना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम इसको चटपटा बनाने के लिए मैं 1 चम्मच शेजवान सॉस का डाल रही हूँ। अब इसके अंदर ये आलू डाल देते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो गया है। अब इस गैस बंद कर देंगे। यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। सबसे पहले मैंने एक बॉल ले लिया। यहाँ पे ये मैं यहाँ पे ये वाली 2 कटोरी आटे के लिए लूँगी। 1 कटोरी डाल दी आटे की। अब इसमें 1 चम्मच चीनी का डालेंगे और 1/2 चम्मच यहाँ पे नमक डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हम पानी डालेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। यहाँ पे मैंने ये वाला 1 कप पानी का लिया है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना है और इसको मिलाते जाना है। ये मैंने यहाँ पे 1 कप पूरा यूज कर लिया है पानी का। अब मैं यहाँ पे ये दूसरा कप पानी का ले रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी करके ही इसको करना है ताकि हमारे बैटर में गुठलियाँ ना आए। इसको ऐसे ही लाते रहना है। और यहाँ पे मैंने ये वाले 2 कप पानी के लिए, तो देख लो इससे दूसरे कप में थोड़ा सा पानी बच गया है। अब इसको 15 मिनट रेस्ट पे रख देंगे ढक के। देखिए दोस्तों, हमारा बैटर अच्छे से हो गया है। इसको मैंने 15 मिनट ढक के रखा था। इसी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए हमारा बैटर। अगर हम कच्ची भी हल्के हैं तो ये देंगे और बैटर को धीरे धीरे खाते जाएंगे। यहाँ पे मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पे करा हुआ है। देखिए ऊपर से इसका कलर कैसे चेंज हो रहा है। ऊपर से हल्का हल्का तेल लगा देते हैं। देखिए ऊपर से कलर हमारा चेंज हो गया है। अब हम इसको अच्छे से पलटते हैं। देखिए ये हमारा रैपर्स अच्छे से पक चुका है। बस इतना सही पकाना है इसको। अब इसको हम प्लेट में सर्व करते जाएंगे। हम इस तरह ही सारे बना लेने हैं हमने। दोस्तों, मैंने यहाँ पर पैन लिया है, आप कोई भी तवा ले सकते हैं। सबसे पहले तवे को आपने गीले कपड़े से पोंछना है।
कड़छी की हेल्प से आपने बैटर डालना है, फिर उसको धीरे धीरे फैला लेना है, फिर हल्का हल्का तेल लगाना है, फिर उसको जब तक ऊपर से ब्राउन हो जाए तो उसको पलट लेना है। दूसरी तरफ से आपने थोड़ा सा ही पकाना है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब मैं आपको एक और दिखाती हूँ बना के, बस इस तरह धीरे धीरे इसको फैलाने हैं। ये मांझ पे ही रखना है आपने और दो बूंद तेल के ऐसे हल्के से लगा दिए साइड में। ये सारे मैंने मीडियम गैस पे ही पकाए हैं, आपने भी मीडियम गैस पे ही पकाने हैं तभी अच्छे बनेंगे ये। सारे रैपर्स हमने इस तरह से बना लेने हैं। देखिए दोस्तों एक और बना के बताती हूँ मैं आपको, इसको अच्छे से फैला लेना है। और एक बूंद तेल की लगानी है यहाँ पे हमने। देखिए इसका कलर कैसे आ रहा है ऊपर से, देखिए यहाँ पे इसमें हल्का हल्का ब्राउन कलर आ रहा है, इसलिए इसका मतलब इसका नीचे से पक गया है। दोस्तों देखिए मैंने एक तरफ से अच्छे से पका लिए हैं, दूसरी तरफ से मैंने इस तरह से पकाए हैं। देखो इस रैपर में अब हम आलू की फिलिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच आटे के लिए हैं। अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे, इसमें थोड़ा पानी डालती हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो रैपर मैंने लिया है इसको नीचे की तरफ रखना है और उसको ऊपर की तरफ। अब इसमें 1 चम्मच आलू की फिलिंग करेंगे, बिल्कुल बीच में डालने हैं। अब इसको फोल्ड करेंगे और जो पेस्ट मैंने बनाया था अब उसको लगाएंगे थोड़ा थोड़ा। अब दूसरी तरफ से फोल्ड करेंगे, अब दोनों एजेस में भी फोल्ड करेंगे। दूसरी तरफ भी ऐसे पेस्ट लगाएंगे और इसको फोल्ड कर देंगे अच्छे से। देखिए ये थोड़ी देर में अपने आप सेट हो जाएगा। देखिए बन गया ना हमारा आलू पफ। आइए एक और बनाते हैं। इस तरह से हमने सारे रैपर में आलू की फिलिंग कर लेनी है और पेस्ट की हेल्प से पफ्स को अच्छे से पेस्ट कर लेना है ताकि फ्राई करते वक्त हमारे आलू पफ्स खुल ना जाए। इस तरह हम अपने सारे आलू पफ तैयार कर लेंगे। अब इन्हें फ्राई करते हैं। मैंने यहाँ पे पैन में तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो गया है, आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इनको शेल फ्राई कर रही हूँ। दोस्तों ये वाली चीज़ है हम नीचे को रखेंगे। अब इनको हम मीडियम गैस पे फ्राएंगे। दोस्तों मैंने इनको 1 मिनट मीडियम गैस पे पकाया है, अब इसको हम पलट के देखते हैं। वाह देखो कितना सुंदर कलर आया है हमारा इसमें। इस तरह से हम सारे पलट लेंगे, इस तरह से ही पकाना है इनको। दोस्तों देखिए हमारे दोनों तरफ से पक चुके हैं। ये देखो दूसरी तरफ से पक चुका है। इतना ही पकाना है इनको, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर बना है ये। सारी इस तरह से निकाल लेनी है हमने। देखिए दोस्तों कितना सुंदर कलर आया है इसका, कितना अच्छा बना ये। देखो ऐसे ही पकाना है इसको, सिर्फ 2 कटोरी आटे में बनाई है मैंने ये।
देखिए दोस्तों, दूसरी तरफ से पक चुके हैं अभी, इसलिए पकाने हैं इनको। ये देखिए हल्का ब्राउन कलर आया है इसका। इस ट्रिक से आपने सारे आलू पफ फ्राई कर लेने हैं। दोस्तों बड़ी आसान रेसिपी है, आपको अच्छी जरूर लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस रेसिपी को जरूर बनाएं और अपने कमेंट मुझसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।